हेलो दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत तीव्रता को समझा था। उस पर बेस्ट क्वेश्चन फॉर्मूले देखे थे। आज हम उस पर बेस्ट क्वेश्चंस करेंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप पहले वो वीडियो देख ले, तभी आपको ये क्वेश्चन समझ भी आएंगे। और स्थिर विद्युत के बाकी सारे वीडियोज़ के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आप जाके वो देख सकते हो। तो हमारा क्वेश्चन है कि 2 कूलम का एक आवेश है जो 5×10^-2 न्यूटन पर कूलम की विद्युत तीव्रता में स्थित है, तो उस 2 कूलम के आवेश पर बल कितना लगेगा, ये हमें ज्ञात करना है। तो हमारा क्वेश्चन हमें ये कह रहा है कि हमारे पास में एक 2 कूलम का आवेश, ये रहा 2 कूलम का आवेश। अब इस 2 कूलम के आवेश पर जो विद्युत तीव्रता आरोपित हो रही है किसी आवेश के कारण, उसका मान हमारे पास में 5×10^-2 न्यूटन पर कूलम है। अब ये विद्युत तीव्रता मान लीजिए किसी आवेश क्यू की वजह से उत्पन्न होगी, किसी ना किसी आवेश की वजह से उत्पन्न होगी। तो वो मान लिया मैंने क्यू आवेश है, क्यू मान का आवेश है, उसकी वजह से उत्पन्न हो रही है। अब ये क्यू मान का आवेश इस 2 कूलम के आवेश पर बल लगाएगा, तो उस बल का मान हमें ज्ञात करना है। तो उस बल का मान के लिए हमने फॉर्मूला देखा था कि उसके लिए फॉर्मूला होता है F=E×Q। अब ई यहाँ पर होती है जिस में क्यू कूलम का आवेश जिस विद्युत तीव्रता में रखा हुआ है उसका मान होता है ई, जो यहाँ पर 5×10^-2 न्यूटन का है, और क्यू है वो आवेश। तो लगने वाला बल एफ होगा हमारे पास में E×Q, यानी 5×10^-2 × 2। तो इसको सरल करेंगे, 5×2 हो जाएगा 10, 10×10^-2, तो 10^1 और 10^-2 से बचेगा 10^-1, जिसको हम लिख सकते हैं 0.1 न्यूटन। यानी कि 2 कूलम के आवेश को हमने 5×10^-2 विद्युत तीव्रता के विद्युत क्षेत्र में रखा, तो उस 2 कूलम के आवेश पर लगने वाला जो बल आया उसका मान हमारे पास में इतना आएगा, 0.1 न्यूटन। या फिर हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि ये जो विद्युत तीव्रता है ये क्यू आवेश के कारण उत्पन्न हो रही है, तो ये क्यू आवेश कैपिटल क्यू कूलम का जो आवेश है ये 2 कूलम के आवेश पर 0.1 न्यूटन का बल लगाएगा। अब हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए द्वारा बी पर आरोपित विद्युत तीव्रता ज्ञात करो जब बी का मान हमारे पास में 4 कूलम का है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमारे पास 2 आवेश हैं, पहला आवेश ए है, दूसरा आवेश बी है। अब बी आवेश पर हमें बल दे रखा है ए आवेश की वजह से, ये ए आवेश बी पर जो बल लगा रहा है उसका मान है 100 न्यूटन, और बी आवेश का मान भी दे रखा है हमें 4 कूलम। तो हमें ज्ञात करना है इसमें विद्युत तीव्रता ज्ञात कर दी है, ए द्वारा बी पर आरोपित विद्युत तीव्रता ज्ञात कर दी है, ठीक है। तो अब मान लीजिए जो ए कूलम ये ए आवेश है ये ई विद्युत तीव्रता उत्पन्न करता है, यानी जो विद्युत तीव्रता उत्पन्न करता है उसका मान अगर ई है, तो हमें यह पता है कि इस बी के ऊपर जो लगने वाला बल होगा, इस बी के ऊपर जो आरोपित तीव्रता वो ई है, और इसका मान हमारे पास 4 कूलम है। तो ए के द्वारा बी पर लगने वाला जो बल होगा उसका फॉर्मूला हमारे पास में वही बनेगा, F=E×Q, ये बनता है हमारे पास में फॉर्मूला। तो बी पर जो लगने वाला बल होगा वो बनेगा E×Q का मान हो जाएगा 4, यानी 4E, और उसका मान हमें दे रखा है 100 न्यूटन, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिखा ई जो ए पर बी पर लगा रहा है उसका मान हमारे पास बन जाएगा F/Q फॉर्मूले से, और F का मान हमारे पास दे रखा है 100 न्यूटन, ये हमने 100 न्यूटन रख दिया, बटा क्यू का मान है 4 कूलम। अब 4 का भाग 100 में देंगे तो बचेगा 25 न्यूटन/कूलम। तो हमारे पास में जो ए के द्वारा बी के ऊपर विद्युत तीव्रता आरोपित हो रही है उसका मान आ जाएगा 25 न्यूटन/कूलम। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, कि तेल की एक बूंद है जिस पर 12 इलेक्ट्रॉनों के बराबर आवेश है, और यह जो बूंद है वो स्थिर विद्युत क्षेत्र जिसका मान हमारे पास में दे रखा है, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दे रखी है 2.55×10^4 N/कूलम। N/कूलम जो मात्रा का वो विद्युत तीव्रता का है, तो विद्युत तीव्रता इसके अंदर हमारे पास में एक तेल की बूंद स्थित है और वो संतुलित अवस्था में है। यदि तेल की बूंद का घनत्व हमारे पास इतना हो तो बूंद की त्रिज्या ज्ञात करनी है हमें। तो हमारा क्वेश्चन हमें ये कह रहा है कि हमारे पास में विद्युत तीव्रता लग रही है 2.55×10^4 N/कूलम की, तो उसको उत्पन्न करने के लिए आवेश होगा कोई ना कोई। तो हमने मान लिया ये आवेश ऊपर धनात्मक आवेश और इधर ये ऋणात्मक आवेश है, तो धनात्मक आवेश, अब ये जो तेल की बूंद है ये
तेल की बूंद परमाणुओं से मिलकर बनी हुई होती है। अब उदासीन परमाणु जो होते हैं वो ऐसे उदासीन होते हैं, लेकिन अगर हम इसे ऊर्जा दें, अच्छा ये 12 इलेक्ट्रॉनों के बराबर आवेशित है, मतलब इसको इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं। तो तेल की बूंद उदासीन थी, उसको हमने 12 इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो इस तेल की बूंद पर जो आवेश आएगा वो ऋणात्मक आवेश आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक आवेशित करना है, और 12 इलेक्ट्रॉनों के बराबर आएगा, 12 इलेक्ट्रॉनों के बराबर ऋणावेश आएगा इस तेल की बूंद पर। अब ऋणावेश आ गया और ऊपर है धनावेश, तो ऋणावेश जो बूंद है उसके ऊपर आकर्षण लगेगा ऊपर की तरफ इस धनात्मक आवेशित प्लेट की वजह से, और ऋणात्मक आवेशित प्लेट है इस पर लगाएगी ऊपर प्रतिकर्षण, क्योंकि ऋणात्मक आवेशित है, तेल की बूंद ऋणात्मक आवेशित है और आवेश उसका 12 इलेक्ट्रॉन के बराबर है। तो यहाँ पे ये जो तेल की बूंद है इसको ऊपर की तरफ आकर्षित करेगा ये धनात्मक प्लेट आवेश, और इस तेल की बूंद में द्रव्यमान है इसलिए ये तेल की बूंद नीचे की तरफ आएगी गुरुत्वाकर्षण की वजह से। तो इस तेल की बूंद पर दो बल लगेंगे, पहला बल लगेगा जो विद्युत बल लगेगा इसके आवेश की वजह से, इसमें ऋणात्मक आवेश है इसलिए ऊपर की तरफ आकर्षित होगी, उस बल का मान हमारे पास में होता है Q गुणा E, क्यों? क्योंकि हमें दे रखा है इस इन प्लेटों की वजह से उत्पन्न विद्युत तीव्रता का मान दे रखा है ये रहा। तो विद्युत तीव्रता अगर हमें दे रखी है और उसमें विद्युत तीव्रता में अगर आवेश Q है तो लगने वाला बल होता है E गुणा Q, इसलिए बल हो गया Q गुणा E। अब नीचे की तरफ जो गुरुत्वीय बल लगता है वो लगता है M गुणा G, इसके द्रव्यमान की वजह से जी गुरुत्वीय त्वरण होता है। तो अब देखिए इसको हम सरल करते हैं, अब ये बोल रहा है कि ये संतुलित अवस्था में, संतुलित अवस्था का मतलब है कि इसके ऊपर लगने वाले टोटल बल जो है तेल की बूंद पर वो जीरो है, और जीरो कब होंगे टोटल बल, जब ये ऊपर की तरफ लगने वाला बल और नीचे की तरफ लगने वाला बल बराबर हो जाए मान में, जितना बल ऊपर लगेगा उतना ही बल नीचे लगेगा, तो ये तेल की बूंद हवा में स्थिर हो जाएगी, या ना तो नीचे गिरेगी ना ऊपर जाएगी, ये हवा में स्थिर हो जाएगी, क्योंकि ऊपर की तरफ आकर्षण और नीचे की तरफ जो गुरुत्वाकर्षण है दोनों समान हो गए इसके ऊपर, और टोटल बल कैंसिल कर दिए एक दूसरे को और टोटल बल बचा जीरो। तो इसको हम लिख सकते हैं कि भाई संतुलित अवस्था में गुरुत्वीय बल विद्युत बल के बराबर हो गया, तो क्यू गुणा ई बराबर एम गुणा जी हो गया। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास में क्यू का मान कैसे निकालेंगे, क्यू हमें दे रखा है 12 इलेक्ट्रॉनों के बराबर ऋणात्मक आवेश, तो क्यू का मान होगा 12 गुणा एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, तो ये क्यू का आवेश हो गया 12 इलेक्ट्रॉनों के बराबर ऋणात्मक आवेश, तो क्यू का मान आ गया। ई हमें दे ही रखा है 2.55 गुणा 10 के पावर 4 न्यूटन पर कूलम, जी का मान हमारे पास 9.8 होता है, 9.8 आगे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब भाई क्यू भी आ गया, ई भी आ गया, जी भी है, एम की बात करते हैं बूंद के द्रव्यमान की, तो बूंद के द्रव्यमान के लिए हमें बूंद का घनत्व दे रखा है, तेल का घनत्व दे रखा है, ये देखिए तेल का घनत्व दे दिया हमें। तो अब हम घनत्व से द्रव्यमान कैसे निकालते हैं, तो ये देखिए हमारे पास में सूत्र होता है घनत्व का, घनत्व का सूत्र होता है हमारे पास में, घनत्व को रो से लिखते हैं, ये सिंबल है रो का, कि द्रव्यमान बटा आयतन होता है, एम द्रव्यमान है बटा नीचे आयतन, तो द्रव्यमान बटा नीचे आयतन। अब जो बूंद है वो गोल होगी, अब गोले का जो आयतन होता है वो होता है 4/3 गुणा पाई आर क्यूब, जहाँ पर आर होती है उसकी त्रिज्या, बूंद की त्रिज्या है आर, तो हमें निकालना एम, तो इस पूरे आयतन को भेज देंगे इधर, तो एम बराबर हो जाएगा रो गुणा 4/3 पाई आर क्यूब, ये हमारे पास एम का मान आ गया और आर यहाँ पर त्रिज्या है। तो अब हम सारे मानों को इस समीकरण में रख देंगे, क्यू का मान, ए का मान, एम का मान और जे का मान, सारे मान इसमें रखते हैं हम, तो ये सारे मान रखने के बाद ये बनेगा समीकरण हमारा, ये हमने सारे मान रखे इसमें, ये रो का मान, ये एम का मान है, ये जो मान है ये एम का मान है, गुणा ये जी था 9.8। अब हमें निकालना आर का मान, हमें बूंद की त्रिज्या ज्ञात करनी है, तो आर निकालना, आर इधर है, बाकी सबको हम भेज देंगे दूसरी साइड समीकरण के, तो रो नीचे चला जाएगा, ये चार भी नीचे गया, ठीक है, ये 4π आ गया, पर 3 गया, इस तरह से हमने इसको सबको इधर भेज दिया। अब इसको सरल करना हमें, बस गणित ये कैलकुलेशन है बस, तो इसको सरल करेंगे तो भाई इधर r का क्यूब है इसलिए ये क्यूब इधर जाएगा, तो पावर 1/3 हो जाएगी इधर, और इसको सरल करेंगे तो हमारे पास त्रिज्या आ जाएगी बूंद की, ये 9.8 गुना 10 की पावर -7 मीटर, ये हमारे पास उस बूंद की त्रिज्या होगी जो हवा में स्थिर है, क्योंकि ऊपर की तरफ उस पर आकर्षण और नीचे की तरफ गुरुत्वाकर्षण, उसके द्रव्यमान की वजह से दोनों बल समान हो चुके हैं, इसलिए हवा में स्थिर हो जाएगी। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, इससे आपको
कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम जैसे IIT और नीट वाले होते हैं उनमें भी बेनिफिट मिलेगा। और फिजिक्स के अन्य वीडियोस चैनल पर उपलब्ध हैं, वो आप उनको देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप देख सकते हो। थैंक यू।